हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है, सुबह के बज गए हैं 11। बस मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, बस अब ब्रेकफास्ट करना रह गया है, उसके बाद जाएंगे किट्टू को लेने के लिए। घर का सारा काम हो गया डन, और आज बेला ने एक और, मतलब आज नेक्स्ट डे है, आज बेला ने एक और काम कर दिया है सुबह सुबह ख़राब। इसके पापा करेंगे इसकी पिटाई। तो ये देखिए हमारी मैडम को, इसने आज पूरा गमला पूरा बिखरा दिया है यहाँ पे, गमला पूरे मट्टी निकाल निकाल के। तो बस अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलेंगे किट्टू को लेने के लिए। बस निकल गई हूँ मैं घर से, किट्टू को लेकर आती हूँ जल्दी से, धूप बहुत तेज हो रही है। अब आई मैं छाया में, बस किट्टू को लेकर आ जाते हैं। बस हम लोग आ गए हैं स्कूल से, घर जा रहे हैं। आगे आगे किट्टू, पीछे पीछे मम्मी। तो बस अब चलते हैं घर, घर पे वेला वेट कर रही होगी हमारा। ये लड़की बैठ गई फिर से, ये बैठ गई फिर से, ये इसकी रेस्ट करने की जगह बन गई। हाँ वहाँ पे गिलहरी है। तो हम पहुँच गए हैं घर, और यहाँ चालू हो गया फिर से प्यार इन दोनों का। बेटा बैग वैग तो उतार ले पहले, प्यार ये देख, ये देख। इस टाइम तो बेला शांत रहती है बहुत, मट्टी में खेल कर आ रखी वो आज। इस टाइम तो उसको नींद आती रहती है ना, 2-2:30 बजे तक ऐसी रहती है, उसके बाद जाती है ये ज्वालामुखी। ऐसा साफ करके लाई मैं अंदर, इसने पैर वैर सब सड़ा रखे थे, नाक तो अभी भी मट्टी लगी। देखा देखा मुँह, देखा देखो देखो नाक में मट्टी। जबराट ऐसे बाल बिखरे हुए। किट्टू मुंह ऊपर कर जरा। चलो कपड़े कपड़े चेंज कर ले, मेरे को तो पसीना ही आ गया, तो सोफे पे चढ़ गई। बस दोनों का खेल तो होता रहेगा, मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि किट्टू को अभी नहलाना भी है मुझे। थोड़ी देर बैठ जाएगी हवा में, पसीना सुखा लेगी, उसके बाद नहा लेगी। मैं तो पसीना आ गया बहुत ज़्यादा, इधर भी इधर भी मुझे बहुत पसीना आता है गर्मी में। उनका यही चलेगा सारा दिन। स्कूल से आते ही पूरे बिस्तर का नाश मारना शुरू कर दिया है, आधे कपड़े उतारे हैं अभी, फिर नहाने जाना है। लग गई ना चोट तो हो जाएगा सब बराबर। दिन के बजने वाले हैं 2, और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है बहुत तेज। और मैं लंच बना रही थी, किट्टू के लिए पराठे सेके मैंने सब्जी से खाने के लिए, और अपने लिए मैं बना रही हूँ लेफ्ट ओवर सब्जी का पुलाव। जो हमारी सब्जी बची हुई थी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसका पुलाव बना दिया अपने लिए, क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ। बस पूछिए मत, आंधी तूफान चल रहा है बाहर, बारिश शुरू हो चुकी है, ओले नहीं पड़ रहे, ओले नहीं पड़ रहे, सिर्फ बारिश आ रही है। बारिश के नज़ारे, दिन दोपहर ही बारिश हो रही है यहाँ बेमौसम की, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। बाहर आई तो ये भी उठ गई है कि मम्मी क्या करने आई है बाहर, मम्मा क्या करने आई है बाहर, हाँ। तो यहाँ पे मेरा लंच भी आ गया है, और ये है बची हुई सब्जी का पुलाव, और साथ में ये गोभी की सब्जी, किट्टू को पराठे से खिलाई थी मैंने। यहाँ पे आ गया अपना अचार और पुलाव। तो बस अब कर लेते हैं, क्योंकि 2:45 हो चुके हैं। मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने जब पुलाव बनाया 2 सीटी आई, मैंने गैस बंद कर दिया था। जब मैंने कुकर खोला तो चावल ना मुझे हल्के हल्के कच्चे से लग रहे थे, तो फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के और दोबारा रखा इसे, तो इसे बनने में आज काफ़ी टाइम लग गया पुलाव को। फिर कुकर ठंडा होने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, बनने में तो जल्दी बन जाता है पर ठंडा होने में टाइम लग जाता है। तो बस अब लंच कर लेती हूँ, किट्टू को तो मैंने खिला दिया था 2 बजे ही, तो अब लंच कर लेते हैं। और इसको भी सुला रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो नींद ज़रूरी है। मैडम भी लेटी हुई है बस सोने के लिए, सो जा जल्दी। तो लंच हो गया है हमारा, बस अब मैं लेटी हूँ, किट्टू को भी सुला रही हूँ। और जो मैंने लंच में बनाया था आज पुलाव, वो लौकी की सब्जी का बनाया था मैंने, और वो इतना टेस्टी हो रहा था ना, मतलब नॉर्मल पुलाव से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। किट्टू ने भी खाया था, है ना किट्टू, है लौकी की सब्जी का पुलाव, उसमें थोड़ी सी मैंने सोया की बड़ी डाल दी थी, मस्त हो रहा था।
तो अब किट्टू को सुला देते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को। तो एक घंटा पहले हो रही थी बारिश और अब आ चुकी है धूप। ये देखो कितनी अच्छी धूप आ गई है, बहुत तेज। तो बेला को मैंने खोल दिया है, ये हो रही है परेशान, खेल रही है मेरे साथ, काटती रहती का पेट भी, हाथ भी, जो मिल जाए वो काटूंगी। अय्या फोन पे ही मारा इतना। हाय फाय, मुंह से नहीं हाथ से हाय फाय। आ काट दे इससे मेरे हाथ में। चप्पल काट, ये काट, वो काट, ऊपर नहीं चढ़ाना तुझे, गंदी है तू, गंदी। ये मैंने पोचे बारिश से उठा के रखे थे, दोनों उठा के ले आई अंदर, खुद ही बिखरा रही है पूरा घर इधर से उधर। तो शाम के बज गए 7:30, बस अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं क्या बनाती हूँ। वैसे पुलाव भी बचा हुआ है दिन का, पर किट्टू के लिए तो सब्जी बनानी पड़ेगी सुबह स्कूल ले जाने के लिए, तब देखती हूँ क्या बनाते हैं। इसकी नौटंकियाँ भी फुल जोरों शोरों पे, ये मैट फाड़ रही है बैठ के, इस मैट के टुकड़े कर दिए तूने, ओ मैडम। अब क्या करना है? पूरा घर तहस नहस कर दिया इसने, देखो पूरा गंदा गंदा गंदा। क्या तो रात के बज गए 8 और बस मेरा खाना भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आटा मैंने गूंद दिया है, सब्जी बना दी है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूरी, क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो आलू की सब्जी पूरी बना रही हूँ। तो किट्टू भी खेलने जा रही है, किट्टू के पापा भी आए नहीं है, बस जैसे इसके पापा आएंगे फिर पूरी बना दूंगी, सब्जी मैंने बना दी है। अब मैं बैठ के देख रही हूँ मूवी रश्मि रॉकेट, अभी शुरू हुई है 8 बजे, मूवी देख रही हूँ बैठ के जब तक किट्टू के पापा आए। बस मैंने यहाँ पे किट्टू को खाना दे रखा था, ये खाना खा रही थी अपना, इसके पापा भी खाना खा रहे हैं। तो ये है हमारी पूरी और आलू की सब्जी, किट्टू को फिर अब मैं खिलाने आई हूँ खाना, थोड़ा सा बना के फिर अपने लिए बनाऊंगी। चल आ जा अकेले के अपना। तो बस डिनर हो गया था मेरा और किट्टू फोन देख रही थी, बस अब किट्टू को सुला रही हूँ मैं भी सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं दिन में नहीं सोई थी, सुबह उठ गई थी 6:30 बजे। तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी और आज की वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट।